वेलकम बैक टू माई चैनल एवरीवन। IPL 2019 कंट्रोवर्सी से भरा है, जहां सबसे पहले मैनकट इंसिडेंट हुआ, फिर मलिंगा की नो बॉल इंसिडेंट हुई और अभी हाल फिलहाल में राजस्थान रॉयल्स वर्सेज चेन्नई सुपर किंग्स के बीच नो बॉल कंट्रोवर्सी हमें देखने को मिली। जाहिर है कि ये सब अंपायर्स की गलती थी, लेकिन इस पर प्लेयर का रवैया भी कुछ अच्छा नहीं था और बहुत सारे प्लेयर्स ने IPL में कुछ और नियम भी तोड़े हैं। और आज मैं इस वीडियो में हम आपको 3 ऐसे प्लेयर्स के हम बताने वाले हैं जिसको BCCI ने फाइन किया है और उनको जुर्माना देने को कहा है और बहुत सारे प्लेयर्स ने दे भी दिया है। नहीं, उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मेरा 60 लाइक्स का टारगेट। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा लीजिए। तो सबसे पहला प्लेयर है इस लिस्ट में, वो है अजिंक्य रहाणे। अजिंक्य रहाणे को चेन्नई सुपर किंग्स वर्स राजस्थान रॉयल्स के बीच जो मैच हुआ था चेन्नई में, उसके लिए फाइन किया गया है और उन्हें 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अजिंक्य रहाणे पर जुर्माना लगाने का कारण कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, बल्कि स्लो ओवर रेट के कारण अजिंक्य रहाणे पर जुर्माना लगाया गया है। जो दूसरा प्लेयर है इस लिस्ट में, उसका नाम है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को किंग्सलैंड पंजाब वर्स मुंबई इंडियंस के बीच जो मैच मोहाली में खेला गया था, उसके लिए फाइन किया गया है और रोहित शर्मा पर ही 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अगर रोहित शर्मा की बात करें तो रोहित शर्मा को भी कोई कंट्रोवर्सी के कारण जुर्माना नहीं लगाया गया है, बल्कि इनको भी स्लो ओवर रेट के कारण ही जुर्माना लगाया गया है। जो तीसरा और जो आखिरी प्लेयर है जिसको IPL 2019 में अभी तक जुर्माना लगाया गया है, वो है महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी को राजस्थान रॉयल्स वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स के जो मैच हुआ था, उसके लिए फाइन किया गया है। महेंद्र सिंह धोनी बीच में पिच पर चले गए थे और वो अंपायर के साथ बहसबाजी करने लगे थे और इसी दौरान उन्होंने क्रिकेट के 3 या 4 नियम तोड़े हैं और इसी के वजह से उन पर 50% मैच फीस का जुर्माना लगाया, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी को करीबन 50 लाख रुपए BCCI को एज ए जुर्माना देना होगा। तो ये तो थे वो 3 प्लेयर जिस पर BCCI ने जुर्माना लगाया है। अब आपको ये बताना है कि जो 3 कंट्रोवर्सी अभी तक IPL में हुई है, उसमें से आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कंट्रोवर्सी कौन सी लगी। विद दिस सेट गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब ना भूलें। तब थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।